अरे भाई यार, भिड़े ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगाया है क्या? सोसाइटी के प्रोग्राम में सब मर्द लोग ये भारत देश के ऊपर वक्तव्य देंगे। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास बढ़िया तड़कता फड़कता भाषण लिख के दीजिए, ताकि मैं प्रोग्राम में सबका सामना पढ़ो तो मेरा वोट पड़ जाए। माफ करना जेठालाल, मैं आपकी इस काम में कोई मदद नहीं करूंगा और मैं ये नहीं लिख के दे सकता। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा सोचा। टप्पू की किताब में से भारत देश के ऊपर जो चाहिए सब माहिती मिल जाएगी। अय्यर कृष्णन, आज रात को पता चलेगा भारत देश के बारे में कौन ज्यादा जानता है। भारत की समस्याओं पर लिखना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, प्रांतवाद। भारत के हर प्रांत में लोग अलग अलग सोच रखते हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं, लेकिन लोग कब तक ऐसे रहेंगे? आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखेंगे, सद्भाव बनाए रखेंगे। अरे बोबट अंकल, आप यहाँ पर बैठ के क्या लिख रहे हो? अरे नोटिस बोर्ड पर जाकर पढ़ लो, सब पता चल जाएगा। ओके। मैंने सुना अपना भारत देश 7,517 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ पापा, बुक में तो ऐसा ही कुछ लिखा है। वो खुदाई रोशन, तूने आए बट तू स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? और रोशन, स्कूल में पढ़े कितना वक्त हो गया, अब थोड़ी ना याद रहेगा। और गोगी पुत्र, मेरे को आगे ये बता कि अपने भारत देश के बारे में तुझे और क्या क्या पता है? पापा वो सब मुझे नहीं पता, अब मेरे बुक खोल के पढ़ लो ना। अरे खास मिशन पे हूँ, मिलेगा ना तो बता दूंगा अपने मिशन के बारे में, ठीक है? अभी तू फोन रख। क्या डिस्टर्ब करने आ जाते हैं यार। अरे मैं फोन ही बंद कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। हाँ रोशन, कोई घर पे भी फोन करे ना तो कहना सदा जी बिजी है, ठीक है? आज तो तू भी मुझे डिस्टर्ब ना करना, माय लेडी हार्ट। वारे वार रोशन, तेरा जुनून देखकर तो ऐसा लगता है कि आज रात को भारत देश पर सबसे बेस्ट स्पीच तू ही देने वाला है। वो तो सच बात है मेरी सोनिया। जय हिंद। हाँ बोल गोली बोल। क्या पापा, मेरे एग्जाम नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा की मदद कराओ तो लिखो पापा। हाँ। भारत के 28 स्टेट्स है, सॉरी पापा, भारत के 28 राज्य है, लिखो आगे, और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी गुड, आगे। अजूबा देख लिया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? अरे अजूबे से भी बहुत बड़ा चमत्कार देख रही हूँ मैं। तुम्हारे पापा के सामने नाश्ता तो है, पर पहली बार लाइफ में उनको नाश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी पापा भारत देश पर स्पीच लिखने में बिजी है और मुझे भी बिजी कर दिया है। वो खुद तो नहीं खा रहे और मुझे भी नहीं खाने दे रहे। वाह हंस, मान गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि तुमको सबसे ज्यादा खाना पसंद है, पर आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुमको खाने से भी ज्यादा भारत देश पसंद है। सही बात है कोमल, तुम एक काम करो, गरम पानी में नमक डाल के ले आओ। हाँ।
ये कौन सा नया ड्रिंक है हंस? गरम पानी में नमक? अरे ये ड्रिंक नहीं है, ये गरारा करने के लिए, ताकि मेरी आवाज खुल सके, ताकि मैं पूरे जोशीली आवाज में, पूरे जोशीले अंदाज में भारत देश के ऊपर स्पीच दे सकूं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वाह ये रे वाह, क्या सुपर स्पीच बनाया है। हाँ, इंडिया साइंस एंड इंडियन साइंटिस्ट आर रिस्पेक्टेड मिस्टर होमी बाबा, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सभी साइंटिस्ट लोगों के नाम भी है। हाँ, ये क्या सुपर स्पीच बना है, बबीता को सुनाता हूँ। बबीता, बबीता, क्या हुआ? ऐसे खुश हो रहे जैसे मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गए हो। नहीं बबीता, मैंने भारत देश पर बहुत ही सुपर स्पीच लिखा है। वाओ ग्रेट, तुम सुनोगे? यस। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। एक मिनट, तुम ये स्पीच दे रहे हो या वॉर फ्रंट में सेनापति बनके अपने सोल्जर्स को जोश दे रहे हो? देश के ऊपर स्पीच देना है तो सॉफ्टली बोलो। समझ गया मैं। हाँ तो देखो, कोई चीज करता हूँ। वेलकम वेलकम गोकुल धाम वासियों। हेलो हेलो हेलो, इतना तो ऊंचा बोलो कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। ओके ओके, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। वेलकम वेलकम गोकुल धाम वासियों। ग्रेट। भारत देश, सदियों से ही वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तरह तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आज हमारा देश सबसे ऊपर है। तो माधवी और सोनू, मैंने भारत देश और आज की शिक्षण व्यवस्था पर भाषण तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुनो के भाषण कैसा होना चाहिए। लेकिन भाषण की इतनी जेरॉक्स कॉपीज क्यों निकाली है? ये मूर्ख, ये जेरॉक्स कॉपीज नहीं है, ये मेरे पूरे 10 पेज का भाषण है। ओहो भाई, 10 पेज? वैसे तो 17 पेज का था। लेकिन मैंने काट कूट के 10 पेज का कर दिया। बच गए। क्या ना माधवी, के भाषण कभी भी छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 पेज का भाषण पढ़ने से बाकी के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगी। हाँ। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वही लोग यहाँ पे बैठ जाए, और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाए। हाँ, हे वरकेले। एक मिनट, चल का चल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। अच्छा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन माधवी गोकुल धाम में सबसे बढ़िया भाषण मेरा ही होगा, प्राइज मुझे ही मिलेगा। चलो बरे, आपका अगर पहला नंबर आया तो घर में नया थर्मास तो आएगा। मैं यहाँ पर देश के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हें एक शुद्ध थर्मास की पड़ी है? मेरे भाषण की यत्किंचित ही परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं हो तस नहीं। बस अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाथाजी घड़ी तोंडार बोल। मेरा भाषण सुनो। यहाँ पर उपस्थित सभी को आत्माराम तुकाराम भिड़े का नमस्कार। हाँ डब्बू, और कुछ याद आ रहा है? और लिखो, राष्ट्र ध्वज में 3 कलर होते हैं। वो पता है मुझे बेटा, कुछ नया बोल। अच्छा तो लिखिया, राष्ट्र ध्वज में ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है। वो भी मुझे पता है। अच्छा तो पापा बताइए, अशोक चक्र में कितने लाइंस होते हैं? 900। बोलो बोलो पापा बोलो। अशोक चक्र में वो ऐसा 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 वो होता है वो ना वो, अरे ये गले में और जुबान पे नहीं आ रहा है आंकड़ा, एक दो तीन आंकड़ा बोलता हूँ याद आ जाएगा। अरे पापा 24 लाइंस होते हैं। 24
फोर लाइंस होते हैं। तुम्हारे गले में भी वही आंकड़ा अटक गया था। हाँ। 24 मतलब कितना? 24 मतलब कितना? अरे टाकू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं है 24 का मतलब? बता बता। अरे डूबी 24 मतलब 24। 24। वो भी अटक गया था। अटक गया था। वो किधर? इधर अटक गया था। लेकिन उधर तो सब खाली है, अटका किधर? क्या भी वो जग कर रहा है। यो भाई बेटिया, तू अभी तक लिख रहा है? नहीं नहीं, हो गया बाबूजी, हो गया। अरे क्या हो गया, सुबह से शाम हो गई। तू क्या भारत देश पे ग्रंथ लिख रहा है? नहीं नहीं बाबूजी। नहीं नहीं बाबूजी वाली, अरे बचपन में स्कूल में पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आज सब मुंह जबानी होता। नहीं नहीं, वो स्कूल में था तभी सब मुंह जबानी था बाबूजी, लेकिन मैं स्कूल में था उसका भी 25-30 साल हो गए, तभी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद होगी बाबूजी। नहीं मतलब अभी 5 मिनट टप्पू के साथ बैठा ना, फटाफट सब याद आ गया। अरे बाबूजी, रात को आप मेरा वक्तव्य सुनना, और सुन के आपको मुझ पर गर्व होगा, गर्व। लेकिन सुन भाई, ये तेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले एक बार जोर से भारत माता की जय ऐसा जरूर बोलना, फिर देखना कितना जोश आता है। बिल्कुल बापूजी, भारत माता की जय। Come on.
विवेक अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। आज के इन बच्चों के दिलों में अपने देश के प्रति ये जज्बा देखकर मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है। हमको भी। टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। खैर, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बस बस माधव बाबू, अभी चालू करना ना उसको, कितना मजा आएगा साले। कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए सचिव महोदय। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। सभी को यहाँ पर आकर भारत पर वक्तव्य देना है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। एक मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। तू क्यों बोलेगा, मेरा तो बोलना वैसे कैंसिल है, बैठ जा। हाँ सॉरी, लेकिन मेरी, अरे पहले मैं बोलूंगा। एक मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। जेठालाल, इसको वक्तृत्व बोलते हैं, वक्तृत्व नहीं बोलते, पहली बात। साथियों, मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग चिट्ठी बनाइए और फिर निकालिए, जिसकी चिट्ठी में नाम होगा बोलेगा। अरे नहीं भाई, चिट्ठी ने हो अभी हो, फटे फंस के हो, उसमें डांस में मेरा सबसे लास्ट चिट्ठी निकला था। हाँ मेरा भी सेकंड लास्ट आया था। ऐसा नहीं भाई, चिट्ठी ने जा, मैं बोलता हूँ ना पहले। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। माधवी तेना समझावा कि ये आइडिया मैंने दिया है, तो शुरुआत मैं करूंगा। तुमने कैसे नक्की किया माधवी बाबी, है कसा मंजे काय तुम्हें मला है समझावा, क्या कौन नक्की करना, क्या कौन पहला है बोलना थे? अभी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। तुमने इतनी मेहनत की है यार, माल है यार। अरे थोड़ी तू देखो, शेर पर धरा पर मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। एक काम करे, मेरे पीछे है हिंदुस्तान, भारत, अनूठी संस्कृतियों का एक अनूठा देश, जहाँ के हम सारे लोग निवासी हैं। इस देश में पग पग पे भाषा बदलती है, बोलियां बदल जाती है और संस्कृतियां कमाल की है। इसी देश में एक शहर है लखनऊ, जहाँ की संस्कृति है पहले आप पहले आप पहले आप, और इसी देश में गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ इस वक्त हो रहा है पहले मैं पहले मैं पहले मैं। हर आदमी लड़ पड़ा है कि भारत पे भाषण देना है और पहले मैं बोलूंगा। सोचिए तो, अनेकता में एकता की मिसाल ये देश, और क्या एकता देखने को मिल रही है। गोकुलधाम सोसाइटी में हर आदमी तैयार है कि भाई मेरा भाषण है, पहले तो मुझे ही बोलना है। अब ये भाषण क्या रंग लाता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ये लोग भाषण देंगे, और भाषण कब देंगे, जब होगा अगला एपिसोड। लेकिन अभी लड़ाई इस बात की है कि पहले बोलेगा कौन। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। क्या मैं जानता हूं? मैं भी नहीं जानता, और इतनी आसानी से मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूं। लेकिन सोचिए तो, गोकुलधाम सोसाइटी में जब ये भाषण प्रतियोगिता शुरू होगी, तब देखते हैं कि क्या होता है। तब तक जय हिंद। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।